सब लोग जानते हैं कि हम पूरे किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसको उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियां नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मानसून सेशन में, तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं, किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आजादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज काफी लंबी चर्चा हुई हेमंत जी से और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत जी का और उनकी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनतंत्र को कुचलने के लिए ये जो अध्यादेश लाया गया है इसके खिलाफ वो पूरा हमें समर्थन देंगे। और दूसरी पार्टियों से भी मेरी सबसे अपील है, वैसे मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ, सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बाकी और अन्य पार्टियों से भी अपील है कि वो भी जन विरोधी राष्ट्र विरोधी ये जो कानून है इसका विरोध करें। हेमंत जी से मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरह से झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के भी, उनको भी करेंगे, सबको, सबके पास जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं है। किसी भी राज्य के खिलाफ ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कैसे गैर बीजेपी सरकारों को तोड़ के, मोड़ के, खरीद के गिराया जा रहा है। झारखंड के अंदर मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहां भी उन्होंने कोशिश की इनकी सरकार तोड़ के गिरा की, लेकिन ये इन्होंने उनकी षड्यंत्र को असफल कर दिया। कहीं पे ये लोग एमएलए खरीद लेते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा हो गया, अब एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। कहीं पे ये लोग ईडी और सीबीआई के केस करके एमएलए तोड़ के सरकार गिरा देते हैं। दिल्ली में ना हमारे एमएलए बिके, ना हमारे एमएलए टूटे, तो वहां पे फिर ये ऑर्डिनेंस लाके हमारे को काम नहीं करने दे रहे।
ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा, नहीं ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लड़ाई है वहाँ पे वाईएसआर के पास 13 सीटें हैं और 9 सीटें बीजू जनता दल के पास है, दोनों एनडीए के साथ बराबर रहे हैं, वो लोग हर एक मुद्दे पे वहाँ समर्थन करते हैं, कैसे आपको समर्थन देंगे? 9 है, 13 नहीं है, उसके पास उनके पास भी 9 है, उनके पास भी 9 है, तो मेरा वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। और हम तो, मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। केजरीवाल जी, जिस तरह से कांग्रेस अब तक इस पर किसी भी समर्थन पर बात नहीं किया है और राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराने के लिए कांग्रेस की अहम भूमिका है, तो क्या कांग्रेस से बातचीत आगे बढ़ी है? बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, हमने उनको टाइम मांगा है और हमें जरूर उम्मीद है कि वो टाइम देंगे भी और वो संसद के अंदर इस ऑर्डिनेंस को गिराने में, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी पार्टी इस अध्यादेश के पक्ष में कैसे वोट कर सकती है। और ये मैं, जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखेगा, तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। केजरीवाल जी, मेरा सवाल ये है कि हेमंत सोरेन जी से आपकी मुलाकात हो रही है, दिल्ली में कांग्रेस आपके साथ नहीं है, क्या हेमंत जी धुरी बनेंगे, कड़ी बनेंगे उन आपके उस पूरे मामले में, ऑर्डिनेंस में कांग्रेस को और आपको एक मंच पे ला पाएंगे? देखिए, अभी तो ये सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं और जब कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस के साथ भी इनकी वार्ता जरूर होगी, मेरा उम्मीद है। अभी और भी जगह लोगों से इनकी मुलाकात अभी चल ही रही है, कल ही एक कर तमिलनाडु से आ रहे थे, तो इस तरीके से जैसे जैसे समय है, अभी जो सदन आहूत होना है, कब आहूत होना है? जुलाई में आहूत होना है, तब तक ये मुहिम चलेगा। तब तक मैं समझता हूँ कि सबसे बात हो जाएगी, अभी 1.5-2 महीने हैं जब ये बिल संसद में आएगा और तब तक सबसे बात हो जाएगी, और आप चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा कि जनता के सामने सभी पार्टियों को झुकना पड़ेगा, जनता के सामने, जनता सुप्रीम होती है जनतंत्र के अंदर। और एक मिनट, केजरीवाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अध्यादेश है ये पूरे देश की आजादी के ऊपर वार है, ये देश के आधार के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर वार है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, आजादी इसीलिए प्राप्त की थी कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता चुन के अपनी सरकार बनाएगी, सरकार को सारी शक्तियां होंगी काम करने के लिए और वो चुनी हुई सरकार काम करेगी। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही है, चुनी हुई सरकारें चोरी की जा रही है, चुनी हुई सरकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अध्यादेश पारित करके काम नहीं किया करने दिया जा रहा, ये आजादी की लड़ाई है। और इसमें मैं समझता नहीं कि कोई भी पार्टी क्यों नहीं साथ आएगी, सब पार्टियां साथ आएंगी, आप इंतजार कीजिए, हमने शुरू की है ये संघर्ष, सबके साथ जाके मिल रहे हैं, सबके दरवाजे पे जाएंगे, हर पार्टी के दरवाजे पे जाएंगे, हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाएंगे। 140 करोड़ लोग, हमें अब वेस्ट बंगाल का साथ मिला, तमिलनाडु के लोगों का साथ मिला, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिला, पंजाब के लोगों का साथ मिला, झारखंड के लोगों का साथ मिला, सारे देश भर में हम जा रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है।